जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आज पूर्वी ने एक हादसा होते होते बचा लिया। असल में एक बच्चा आरवी की गाड़ी के नीचे आने वाला था, लेकिन पूर्वी ने सही समय पर उस बच्चे की जान बचा ली। ऐसे में पूर्वी की नानी जी ने बीच सड़क पे ही तमाशा करना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने आकर बात संभालने की कोशिश भी की, लेकिन पूर्वी की नानी तो बड़ी जिद्दी निकली। इसी बीच लोगों ने आरवी की गाड़ी पर कीचड़ भी उछाला, लेकिन पूर्वी बहुत समझदार निकली और देखिए कैसे ही बड़े प्यार से वो आरवी की कार का कांच साफ करने लगी जहाँ जहाँ कीचड़ लगा हुआ है। ऐसे में आरवी उस लड़की की एक झलक देखना चाहता है। हो यूं रहा है कि राजवंश कहीं जा रहा है और रास्ते में कुछ हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है और लोगों को परेशानी होती है, और वो लोग जो हैं गाड़ी रोक कर राजवंश की गाड़ी पे कीचड़ फेंकने लगते हैं। बट मैं ऐसा कैरेक्टर हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देखता भी नहीं हूँ कि कौन है, क्या है, क्या कर रहा है। मैं अपने काम में बिल्कुल बिज़ी रहता हूँ। बट देन एक खूबसूरत सी लड़की आके वो जो डस्ट था वो साफ़ करना शुरू कर देती है और मेरी कहीं ना कहीं उसकी तरफ थोड़ी सी एक जो है निगाह चली जाती है और एक कह सकते हैं कि एक इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और मेरे मन में रहता है कि ये कौन है ये लड़की, मैं इसको देखूं, पर मैं उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो उस टाइम तक चली जा चुकी होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है और काफ़ी अच्छा शूट किया है। स्लो मोशन में मैं आ रहा हूँ, एकदम हिट एंड मिस, जिसे हम कहते हैं टेलीविजन की लैंग्वेज में हिट एंड मिस सीन है, बहुत अच्छा सीन है। ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि ऐसे पहली मीटिंग होगी राजवंश और पूर्वी की, बट हाँ ये तो खैर मीटिंग नहीं है, ये बस एक हिट एंड मिस है। जब आमने सामने आएंगे तब तो बहुत ड्रामा होगा और बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा उस लेवल तक, बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट होगा वो शो का। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, पहली बात तो इतना बड़ा शो है, इस शो की अपनी एक लेगेसी है जो इतने साल से लोगों को एंटरटेन करता आ रहा है और होपफुली आगे भी करता रहेगा। थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि इतने साल से इस शो के काफ़ी लॉयल फैंस हैं और मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे वही प्यार दें जो बाकी किरदारों को दिया। उसके लिए मैं मेहनत करूँगा और उनको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ मैं तो सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता मैम, कि उन्होंने मुझे फिर एक बार चांस दिया और इतना बड़ा अपने शो का हिस्सा बनने का मौका दिया और मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया। और मैं तो बस चाहूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और वो जो ट्रस्ट उन लोगों ने मुझ में दिखाया है उससे कहीं सही प्रूव करूँ। और उसके लिए आई एम फीलिंग पॉजिटिव एंड आई एम रेडी टू वर्क हार्ड एंड एंटरटेन पीपल एंड फील ऑल द लव। खैर आरवी और पूर्वी तो एक दूसरे का दीदार कर नहीं पाते, लेकिन दोनों का किस्मत कनेक्शन शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी का सनकी आशिक भी पूर्वी के पीछे पड़ा हुआ है जो बीच सड़क पर पूर्वी से अपने प्यार का इजहार कर रहा है, और ये बात पूर्वी को रास नहीं आती, इसीलिए वो सभी के सामने उसके गालों पर तमाचा जड़ देती है। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।